ऐसा लगता है कि मेरी वजह से मेरी बेटी पढ़ने दिल्ली नहीं गई। पता नहीं उसे यहाँ रुकने की इजाजत देकर मैंने ठीक किया या गलत। ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। फैजाबाद के सबसे अच्छे कॉलेज में उसको दाखिला दिलाए देंगे, पढ़ेगी लिखेगी और घर के घर में रहेगी। अब ऐसे क्यों देख रहे हैं? नहीं, सोच रहा हूँ कि अगर कुंवर को दिल्ली या फैजाबाद में से कोई एक जगह चुननी होती तो क्या तब भी आप यही कहती यही सोचती? देखिए ठाकुर साहब, बेटों की बात अलग है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थी लड़कों के कंधों पे ही जाती है। अर्थी को लड़कियों के कंधे भी उठा सकते हैं। भविष्य में दुश्मन को सबक सिखाना हो तो इतिहास से सबक लो। सीधी बात बोलना। जानते हो मुगल काल का अंत क्यों हुआ? क्योंकि औरंगजेब 89 साल तक जिंदा रहा, लड़ता भी रहा और सारे फैसले खुद ही करता रहा। और उसका 65 साल का लड़का अफीम चढ़ाकर खर्राटे भरता रहा। बाऊजी 62 साल के तो हो गए, मतलब 62 10 72 10 82 और 7 89। दादा रे दादा, 27 साल। जरा सोचो, बाऊजी और 27 साल जिंदा रह गए तो अगर कुंवर साहब से ठाकुर साहब बनना है तो कर पाओगे बाऊजी राजकांत? मैं करूंगा बाऊजी राज का अंत। अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को जड़ से उखाड़ दूंगा। मैं जो कुछ कर रहा हूं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। सिर्फ 2 साल की बात है, प्लीज प्लीज मान जाओ ना। रुकोगी ना? यह है हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का लेआउट। इंजीनियरिंग नहीं, मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज? लेकिन कुंवर साहब, मैं एक इंजीनियर हूं इसलिए मैं इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाना चाहता हूं। तू अचार डाल इंजीनियरिंग का, खुलेगा तो मेडिकल कॉलेज। देखो क्या है। नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि बिना खोले ही हम बता सकते हैं कि इसमें क्या है। बताओ क्या है। इसमें बनारसी सूट है। मेरी प्यारी बिटिया। तो भाई रामदीन, क्या बात है, क्या हुआ? ठाकुर साहब जल्दी चलिए, कुंवर साहब ने मिल में ताला लगवा दिया है। आइए आइए मंत्री जी, आइए ना, आइए आइए। जशोदा जी, ये उद्घाटन किस चीज का है? मेडिकल कॉलेज का है। और ठाकुर साहब की फैक्ट्री? वो तो बंद हो गई। ठाकुर साहब आ गए, ठाकुर साहब आ गए, ठाकुर साहब आ गए, ठाकुर साहब आ गए, ठाकुर साहब आ गए। अब आएगा मजा।